ब्रांड है, मिस्टर क्लीन नाम से इसका कलर बोलते हैं ये। सो ये बाइक आती है कैफे रेसर कैटेगरी में एंड कर्व वेट होता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी माइक। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है गाइस। वेट वेट, ये मेरा चैनल है, लेट मी कवर इट। ओह सॉरी भाई, नो प्रॉब्लम गाइस, ये भाई का चैनल है, भाई आपको देंगे रिव्यू बढ़िया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650। सो बात करें इस बाइक की, सो जिस प्राइस रेंज में बाइक आती है, इस प्राइस रेंज में इसके कंपैरिजन में अभी तक तो कोई इतनी पावरफुल बाइक नहीं है। सो अगर कोई भाई प्लान कर रहा है 2023 में कॉन्टिनेंटल GT 650 और कोई अपग्रेड होना चाहता है इस बाइक पे, सो ये बाइक बहुत ही परफेक्ट ऑप्शन होने वाली है आपके लिए। सो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, साथ में हमारे साथ आफ्ताब भाई है जो कि ओन करते हैं ये बाइक, सो आपको ओनरशिप रिव्यू शेयर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस बात करें ओवरव्यू की, सो ये बाइक आती है कैफे रेसर कैटेगरी में एंड कर्व वेट होता है इसका 212 केजीज। एंड कमिंग टू द इंजन, सो इंजन आपको मिलता है 348 सीसी का जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, 47 bhp एंड 52 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। कमिंग टू द कूलिंग टेक्नोलॉजी, ये आती है एयर एंड ऑयल कूल पे। बात करूँ इंजन की स्पेसिफिकली, तो इसमें पैरेलल ट्विन टू सिलेंडर्स इंजन आता है, सो दैट इज लाइक मोस्ट अमेजिंग इंजन फॉर द पावर। एंड बात करूँ फ्रंट व्हील की, तो आपको फ्रंट व्हील इसमें मिलता है 18 R18 एंड बैक व्हील भी R18 मिलता है। फ्रंट व्हील प्रोफाइल 190 एंड रियर व्हील प्रोफाइल मिलती है आपको 130-70। बात करें शॉकर्स की, तो 41 mm के टेलीस्कोपिक अपसाइड डाउन शॉकर्स मिलते हैं आपको, 320 mm की डिस्क मिलती है एंड रियर डिस्क मिलती है 240 mm की। सो ओवरऑल आपको ऐसी दिखती है बाइक। बाकी इस बाइक में 2020 मॉडल है, तो हैलोजन लाइक नॉर्मल बल्ब्स का सेटअप है, हैलोजन लाइट है एंड अभी जो 2023 में आ रही है उसमें LED कॉम्बिनेशन है। बाकी बात करूँ गियर बॉक्स की, तो उसमें आपको 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। सो ओवरऑल ऐसा है बाइक का ओवरव्यू। सो अब आगे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस एंड आपको मैं फ्लाई बाय एंड इसका एग्जॉस्ट नोट भी सुनाऊंगा। सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहे। गाइस बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आपको दो राउंड डायल्स मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, जो आपको लेफ्ट साइड मिलती है उसमें अलॉन्ग द बाउंड्री स्पीडोमीटर एंड नीचे MID में आपको ओडोमीटर, ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड फ्यूल गॉज दिखता है। राइट हैंड साइड की बात करें तो टैकोमीटर एंड वार्निंग लाइट्स आपको इधर दिखती है एंड बीच में आपको MID कंट्रोलर मिलता है। कमिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड, स्विचेस, पास, हाई बीम इंडिकेटर एंड हॉर्न मिलता है। राइट हैंड साइड स्विच पे आपको इंजन किल स्विच एंड स्टार्टर स्विच मिलता है एंड आप देख सकते हैं लॉक इसका नॉर्मल बाइक्स की तरह ही होता है, यहीं से आप इग्निशन ऑन एंड ऑफ एंड लॉक कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़े आफ्ताब भाई जो कि आपको ओनरशिप रिव्यू देंगे। आफ्ताब भाई कैसे हैं आप? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू ब्रो? आई एम डूइंग गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड टेकिंग आउट द टाइम फॉर दिस वीडियो। इट्स ओके। सो आफ्ताब भाई मुझे बताइए, आपको ये बाइक ओन करते हुए कितना टाइम हो चुका है अभी तक? भाई ये बाइक ओन करते हुए मेरे को हो गया है 2.5 ईयर हो गए हैं। ये बाइक मैंने ली थी 2020 दिसंबर में, 2020 दिसंबर रजिस्टर्ड बाइक है ये, ढाई साल हो गए हम इसको ओन करते हुए। सो जब आपने बाइक ली तो उस समय आपके माइंड में और कोई बाइक आई थी? मेरे माइंड में ड्यूक 390 आई थी, फिर पावर इसकी आप जानते हो, पावर अच्छी बाइक और लुकिंग ड्यूक को अच्छे से बीट करती है लुक में, ठीक है, और इसके एग्जॉस्ट नोट इतने बढ़िया हैं ड्यूक में, आपको वो साउंड नहीं मिल सकता। सो लाइक ड्यूक 390 सीरीज में 650 सीरीज पर तो थोड़ा बहुत तो लाइक हाई परफॉर्मेंस पावर वाइज हो गई होगा। और सबसे बड़ा मेजर चेंज वो है कि ये डुअल सिलेंडर आती है और सिंगल सिलेंडर बाइक आती है। एंड आपने किस रेंज की बाइक ली थी उस समय? ये उस टाइम भाई ये ऑन रोड 380 थी, पर मैंने इसको EMI ऑप्शन पे ली थी, तो ये मेरे को 450,000 की पड़ी थी। एंड अभी भी मैं देख सकता हूँ लाइक इसका ये टॉप एंड मॉडल है, राइट, एंड कलर भी टॉप एंड है, मिस्टर क्लीन नाम से इसका कलर बोलते हैं ये। सो कलर के चॉइस के पीछे कोई ऐसा ऑप्शन जैसे आपने? नहीं भाई, एक्चुअली इसके पीछे एक कहानी है। मैं ना जब शोरूम गया था ना,
तो उनके पास खाली यही बाइक खड़ी हुई थी। अच्छा, टॉप एंड कलर ही खड़ा था उनके पास, और उन्होंने मेरे को बोला था कि हम अगर आप ये कलर लेंगे तो हम आपको 2 दिन में बाइक दे देंगे। अच्छा, मतलब लाइक टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, टाइम ड्यूरेशन के, नहीं तो फिर 1.5-2 महीने लगे लेते वो बाइक देने में। तो अभी भी इसमें वेटिंग पीरियड है वैसे? वेटिंग पीरियड है थोड़ा सा, ये ज्यादा नहीं है, हार्डली 1 to 2 month का वेटिंग पीरियड है। ओके, एंड बात करें इसकी, अभी भी ये बाइक लाइक अंडर 4 lakhs बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो जैसे आप अपना थोड़ा क्रूजिंग एक्सपीरियंस बताया, 650cc बाइक है तो मोस्टली आप राइड्स वगैरह पे भी जाते होंगे, आपका यूट्यूब चैनल भी है इन्फिनिटी माइल्स, गाइस भाई का यूट्यूब चैनल है उसका होगा, बाकी मैं भाई का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज फॉलो इट। सो आप मुझे बताइए अपना क्रूजिंग एक्सपीरियंस, जैसे आप जाते हैं कहीं राइड्स वगैरह? भाई जैसे मैं कहीं राइड पे जाता हूँ, बाइक की पावर अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है बाइक का, लेकिन जब ये पंचर हो जाती है ना तो उसको खींचते हालत खराब हो जाती है, बस ये फर्क है। रीजन बीइंग कि इसमें स्पोक व्हील्स है, तो स्पोक व्हील्स का कहना कि, सो इसमें जैसे अलॉयज का भी ऑप्शन आता है, अब तो आपने अलॉयज वाला ऑप्शन नहीं लिया भाई, वो 2023 में आया है। अच्छा, 2023 में अलॉयज वाला ऑप्शन में ऑप्शन आया, पहले नहीं था। अगर हम आफ्टर मार्केट कोई अलॉय लेते थे तो ज्यादातर मेरे को कंप्लेंट्स मिल रही थी कि अलॉय बैंड कर रही थी बाइक की। हां, जैसे हाई सीसी बाइक है तो हाई सीसी बाइक और वेट भी इसका काफी ज्यादा है, इस वजह से ना अलॉय बैंड कर रही थी आफ्टर मार्केट। सो अभी आपने लाइक रॉयल एनफील्ड में कंफर्म किया कि आप इसमें अलॉयज लग सकते हैं? जी जी, मैंने कंफर्म किया था, लेकिन वो कह रहे हैं अभी 6 to 7 month लगेंगे, अभी वो रॉयल एनफील्ड अलॉय ना सेल नहीं कर रही, खाली लग के आ रहे। ओके, जो बाइक अभी 2023 मिलेगा। सो गाइस अगर आप प्लान करें 2023 में, सो ये आपका एक जो फैक्टर है जो कंसीडरेबल करा है रॉयल एनफील्ड ने, अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर्स फीडबैक। सो इसमें अब आपको अलॉयज मिलेंगे, अलॉयज मींस ट्यूबलेस टायर, अभी इसमें स्पोक्स आते हैं, मींस ट्यूब टायर। ओके, सो बात करें इसकी माइलेज की, तो ये माइलेज क्या देती है? माइलेज भाई जिस तरीके से मैं इसको चलाता हूँ, मैं थोड़ा हार्ड ड्राइव करता हूँ और काफी स्पीड में चलता हूँ मैं ऐसी, लेकिन मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा, आप लोग स्लो राइडिंग करें, अपने हेलमेट्स अपने गियर प्रॉपर पहन के राइड करें। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं थोड़ी हार्ड ड्राइविंग करता हूँ, तो मेरे को हिसाब से ये देती है 10 से 12 की एवरेज देती है मेरे को तो। ओके, एंड ये सिटी आप बता रहे हैं, सिटी एवरेज हाई एवरेज? ये सिटी सिटी बता रहा हूँ, एंड हाईवे में ये 15 टू 16 कर देती है। सो जब बंदा अगर नॉर्मली ड्राइव करता है तो उसमें चांसेस है कि एज पर द ड्राइविंग ये 20 तक निकाल सकती है हाईवे पे, 20-21 भी देगी हाईवे अगर आप नॉर्मल क्रूजिंग कर रहे हो एक सर्टेन स्पीड पे। ओके, एंड अगर आप हार्ड ड्राइव करोगे और थोड़ा पुश करोगे बाइक को तो इसकी एवरेज कम हो जाती है। एंड सिटी में ये कितना निकाल देगी? सिटी में अगर आप नॉर्मल चला रहे हो तो भाई 15 के आसपास दे देती है। ओके, एंड बात करें इसकी सर्विसिंग की, लाइक 650cc बाइक है तो थोड़ा सा बंदा घबराता है लेने से पहले, क्योंकि हाई सीसी बाइक है, मेंटेनेंस वगैरह हाई रहेगी, तो इसकी सर्विसिंग का मुझे बताइए, आप बाहर से कराते हैं या रॉयल एनफील्ड? मैं भाई रॉयल एनफील्ड से कराता हूँ, मैंने आज तक बाहर से अपनी बाइक को कहीं से हाथ नहीं लगवाया, क्योंकि मैं प्रेफर करूँगा आप भी सारे सर्विस सेंटर से ही सर्विस कराएं। गाइस इसका दो रीजन होता है, लाइक कब इतनी हैवी सीसी बाइक है तो बंदा अपग्रेड भी करता है, तो इफ इन केस आप फ्यूचर में सेल करते हैं तो एक सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन होता है कंपनी के साथ बाइक का, जो कि वेरी बेनिफिशियल होता है। एंड कमिंग टू द सेकंड थिंग, सो कंपनी में ये चीज़ होती है कि अगर आप कंपनी से कराएंगे तो यू हैव अ लाइक कंसर्न पर्सन टू कंसर्न की बाइक में कोई भी इशू वगैरह आता है तो आप उनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो प्रॉपर एडवाइजर आपको प्रोवाइड कराते हैं। ओके, सो बात करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो इसका कॉस्ट वगैरह क्या रहता है? भाई मेंटेनेंस कॉस्ट की जो सर्विस होती है पेड वाली, वो जाती है 6 to 7K तक जाती है। 6 to 7K, और अगर आपको ब्रेक पैड्स जलवाने हैं तो फिर वो 5000 के अराउंड पड़ते हैं, मतलब इसके ब्रेक पैड्स 5000 के अराउंड पड़ते हैं। सो बाकी बात करूँ थोड़ा, आपने बोला वेट हैवी है इसका, समय अराउंड 2-11 kg इसका वेट जाता है बाइक का। सो हाई स्पीड में ब्रेकिंग वगैरह आपको लगता है कि लाइक कम है इसमें या क्या? नहीं नहीं भाई, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है बाइक की। नहीं होगा शायद, बाइक पकड़ नहीं रहा होगा आवाज, बट स्टिल एक आवाज आती है, वो फ्यूल इंजेक्टर की आवाज आती है, उसमें इंजेक्ट करता है पूरे फ्यूल पंप, इंजेक्ट करता है पूरे उसमें। सो वो उसके लिए आपको 3 सेकंड तक रुकना पड़ेगा एफआई बाइक्स में। सो ये रहता है, बाकी इसमें कंपनी का रिकमेंड करती है कि कितना मिनिमम फ्यूल आपने रखना चाहिए टैंक में? ऐसा तो कंपनी कुछ रिकमेंड करती नहीं, लेकिन 1 liter तो कम से कम रखना चाहिए आपको, जैसे एफआई पंप करता ना, प्रेफरेबल होता है कि 2 liter एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए। ओके, एंड बाकी बात करें इसके टायर साइज की, तो जैसे अगर आप क्रूज करते हैं तो आपको लाइक पोर्ट होल्स में फील होता है कि एक बाइक लाइक मिसहैंडल वगैरह हो भाई, इसके जो सस्पेंशन है वो 50-50 है। ओके, मैं आपको बताता हूँ कैसे, अगर आप 60-70 की स्पीड में चल रहे हैं तो इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, अच्छे से पोर्ट होल सारे होल्स पार कर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप हाई स्पीड में जाते हो ना तो इसके सस्पेंशन पता नहीं कैसे स्टिफ से हो जाते हैं, तो पोर्ट होल पता चलते हैं। ये आप इसका डिसएडवांटेज कह सकते हैं,
हाँ थोड़ा थोड़ा कह भी सकते हैं। ओके बाकी कमिंग टू द कूलिंग टेक्नोलॉजी, सो अभी तक लाइक रॉयल एनफील्ड आजकल लिक्विड कूल्स बाइक आ रही है तो इसमें ऑयल कूल टेक्नोलॉजीज होती है, तो इसके हिसाब से लाइक हीटिंग इश्यूज रहता है इस बाइक में? भाई हीटिंग इश्यू तो भाई पूछो मत, और वो भी दिल्ली के ट्रैफिक में हीटिंग इशू, आप जानते हो कैसा ट्रैफिक होता है, मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अगर कोई लेगा तो उसमें रिकमेंडेबल नहीं है? नहीं बिल्कुल रिकमेंडेबल नहीं है भाई। ओके एंड सेकेंडली और क्या पूछ, सो बाकी ऑलमोस्ट हमने सारी चीज कवर कर ही लिया है इसमें, बाकी थोड़ा सा आप अपनी तरफ से बताइए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो आप शेयर करना चाहते हो कि जैसे कोई 2023 में लेना चाहे तो। इसके एडवांटेज है सबसे बड़ी चीज तो पावर, इस सेगमेंट में आपको स्पाइस रेंज में ऐसी पावर नहीं मिलेगी। पावर तो लाइक अभी इसका और ब्रांड्स तो नहीं है ऐसा कोई 650 में इतनी अच्छी बाइक, बट एक रॉयल एनफील्ड का इंटरसेप्टर 650 है जो कि सेम इंजन है, बस थोड़ा सा हैंडलिंग वेंडिंग का फर्क है लाइक उसे क्रूजिंग बनाने के लिए, राइट? यस। ओके और बाकी लुक सबसे बड़ी बात, लुक सबसे बड़ी बात इसमें आती है, लुक जो है ना आपको कैफे रेसर की लुक आपको अलग ही मिलेगी, और ये कलर में इसकी लुक आप जानते कैसी लगती है सर, ये जब भी मैं ट्रैफिक में चलता हूँ ना या किसी रेड लाइट पर रुकता हूँ तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, सो हेड टर्नर बाइक तो ऑब्वियसली है क्योंकि लुक भी कैफे रेसर टाइप का, सो कैफे रेसर टाइप में थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है लाइक कभी लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो लाइक बैक हर्ट करे? नहीं भाई मेरे को, क्योंकि मेरे को ना आदत पड़ चुकी है, मैं इससे पहले काफी अच्छी बाइक चलाता था, बस अब हो गया, अब यही चला रहे हैं। गाइस बाइक के साथ इंसिडेंट हुआ है, भाई शेयर नहीं करना चाहते बट दैट्स ओके, सो ठीक है, कमिंग टू द बैक टू द बाइक, सो और मुझे बताइए जैसे लॉन्ग राइड्स का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करिए कि लॉन्ग राइड्स पे कैसा परफॉर्मेंस है इसका, क्या है? लॉन्ग राइड्स पे परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज मेरे को ये लगती है, जब भी बारिश आती है ना तो इसके स्पार्क प्लग में ना पानी सा चला जाता है, स्पार्क प्लग मैंने चेंज भी करा लिए, इसकी कैप भी चेंज करा ली, तो इसका ये वाला ना राइट वाला स्पार्क प्लग जो है इस साइड का वो ना मिस मारती है बाइक तक पानी में। ओके सो ये मतलब रॉयल एनफील्ड में जैसे आपने सर्विस सेंटर में बताया तो उनका सर्विस सेंटर में बताया, उन्होंने कह रहे हैं कि स्पार्क प्लग एकदम ओके है, फिर जब भी मैं लेके जाता हूँ तो मिस मारना बंद कर देती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लाइक पानी जाता होगा, थोड़ा हीटिंग इश्यूज ज्यादा इंजन में तो हीट के कारण एब्जॉर्ब हो जाता होगा पानी, लेकिन फिर भी ना मिस मारती है। ओके करेक्ट, सो गाइस आई होप आपको बहुत सारी डिटेल्स मिली होगी इसमें, बाकी अगर कोई 2023 में प्लान कर रहा है तो कंपनी ने काफ़ी प्रैक्टिकल चेंजेस करे हैं बाइक में, जैसे भाई ने जब ली थी 2020 में तो इसमें हैलोजन लाइट का सेटअप था, अब इसमें एलईडी लाइट कर दिया है। सेकंड मेन मेजर चेंज है कि आपको टायर्स में अलॉयज मिलते हैं, क्योंकि आप लॉन्ग राइड पर जाते हैं ट्यूब टायर में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर बाइक पंचर हो जाए, रीज़न बीइंग कि 211 kg की बाइक है सो इसको ले जाने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा विद पंक्चर टायर, सो उसको देख के कंपनी ने इसमें अलॉयज टायर लगवाए हैं। बाकी ओवरऑल अब आपके साथ एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको फ्लाई बाई भी दिखाऊंगा, इसका एग्जॉस्ट साउंड भी दिखाऊंगा, एंड लास्ट चीज भाई एग्जॉस्ट के बारे में लाइक अभी एग्जॉस्ट इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है या आपने चेंज कराया है? भाई मैंने ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवाए थे, ये वेनम के एग्जॉस्ट हैं, एक करोलबाग बेस्ड ब्रांड है, दिल्ली में करोलबाग बाइक मार्केट है आप सब जानते होंगे, तो ये वहाँ का लोकल मैन्युफैक्चर है, जो जैसे मैं बड़े बड़े एग्जॉस्ट आते हैं मैं नाम लेना चाहूँगा, वो काफ़ी हाई प्राइस रेंज में आते हैं, ये उसके 50% प्राइस रेंज में आता है। ओके सो गाइज अगर कभी आपको इसमें आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लाएगा तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है एग्जॉस्ट का, मैं आपको सुनाऊंगा, सो बाकी वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, हम आगे बाकी और चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। सो आई होप गाइज आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होगी रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 के बारे में, वीडियो को देख के हमने इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें कवर करी, इसके फीचर्स स्पेसिफिकेशन ओनरशिप रिव्यू, सो अगर कोई प्लान कर रहा है 2023 में रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 या किसी को अपग्रेड करना है 650cc में, सो इस प्राइस सेगमेंट में अंडर 4 lakh ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, कमिंग टू द इंजन कैपेसिटी कमिंग टू द पावर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अभी, और अभी इसके कंपेरिजन में और ब्रांड्स में 650cc में इस प्राइस रेंज में अभी तक कोई बाइक नहीं है, एक बाइक है इंटरसेप्टर 650 सेम इंजन है बट वो भी रॉयल एनफील्ड की तरफ से आती है, सो अगर आपको इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस लाइक एक्सपीरियंस करना है तो आप एक टेस्ट ड्राइव जरूर लीजिए इसके, ये बाइक कैफे रेसर कैटेगरी में बाइक है एंड बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है, प्लस 2023 में कंपनी ने प्रैक्टिकल चेंजेस बहुत करे हैं बाइक में एज पर द कस्टमर फीडबैक, अब की बाइक्स में आपको अलॉयज व्हील मिलेंगे, इसमें एलईडी लाइट का सेटअप मिलेगा, स्विचेस वगैरह आपके सुपर मीटियोर 650 जैसे स्विचेस आते हैं एंड हैंडल लीवर वगैरह में कॉस्मेटिक चेंजेस आपको काफ़ी दिखेंगे, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स मीट इन अनदर वीडियो विद मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।